का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे कबीर पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे कबीर पंथ से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कबीर पंथ से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कबीर पंथ से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 120 वर्षों से स्थापित समस्त कबीर पंथियों की आचार्य गति एवं गुरु स्थान व अट्टू आस्था का केंद्र कबीर नगर दामाखेड़ा आश्रम में दीपावली के दिन स्थानीय गांव के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अप्रिय घटना को अंजाम देने की नीयत से आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश की गई। कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा कबीर पंथ की आस्था से जुड़ा सबसे बड़ा और पवित्र प्रसिद्ध स्थान है। कुछ स्थानीय गांव के अवांछनीय 50 से 60 उपद्रवियों द्वारा आश्रम की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हुए कबीर पंथ के होने वाले 16वें आचार्य FKDV मिशन के तहत पंथ का प्रचार प्रसार करने वाले नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहिब जी को भद्दी गालियों के साथ आश्रम परिसर में घुसकर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया। इसी को लेकर आज जो है प्रदर्शन किया गया। एक बार सुनिए पूरा मामला क्या है। दीपावली की रात को, आधी रात को, हमारे जो कबीर पंथ के बहुत बड़ी गद्दी, आचार्य गद्दी जिसको हम बोलते हैं, जिनके अभी वर्तमान में आचार्य हमारे परम आदरणीय प्रकाश मंदाराम साहेब जी का आश्रम वहाँ पे है, जो कि 120 वर्षों से वहाँ पे स्थापित है, जिसका जगह का नाम है कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा जिला पलोलताबाद रायपुर बाजार रायपुर छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने 50-60 लोगों ने रात को, आधी रात को हमला किया, जिसमें हमारे जो नवोदित अभी भावी आचार्य होने वाले हैं, जिनका नाम परम आदरणीय उदित नाम मुनि नाम साहब है, उनको पुकार करके उनको भद्दिया गालियाँ दी गई, वो जो कि अंदर थे, वो आश्रम के अंदर थे, भद्दी गालियाँ दी गई, हथियारों के साथ लैस होकर वो लोग आए और उनको जान से मारने की उन्होंने कोशिश की, हमला किया, जानलेवा हमला किया, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पानीपत के कबीरपंथ समाज के लोग राष्ट्रीय कबीरपंथी चूल्हा विकास महासभा के बैनर के नीचे हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए हैं। बताया गया कि समस्त कबीर पंथियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय कबीर पंथी जुलाहा विकास महासभा के साथ साथ सदगुरु कबीर जनसेवा समिति, ग्रीन पार्क पानीपत, कबीरपंथी धर्मशाला समिति, देशाच कॉलोनी, सदगुरु कबीर धर्मशाला व समाज सेवा समिति के अलावा तमाम ऐसी संस्था ने एकजुटता के साथ आज इसका विरोध किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन देने सौंपने आए हैं कि जो हमारे आचार्य कबीर पंथ के जो उसको ठेस पहुंची है, उसको हमले से हमें आघात पहुंचा है, सभी रोष में हैं कबीर पंथ समाज के लोग, और उसको ज्ञापन के रूप में हम विरोध दर्ज कराने आए हैं। और हमने आग्रह किया है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कि हमारे आचार्य साहब की जो गद्दी है, आश्रम है, उसको सुरक्षित रखने का काम करें, सुरक्षा प्रदान करने का काम करें, और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कोई अनहोनी हो जाए या हमारे कबीरपंथ समाज को कोई ठेस पहुंचाने का काम करें, इसकी वो सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये मांग हमने सभी लोगों के बीच में आज हमने डी साहब के माध्यम से की। आरोपी है, जात्र को गिरफ्तार हो चुके, उसमें नहीं, 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हमारी मांग है जो बाका जो हैं अभी जो वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द सरकार उनको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम वो करें, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग वो बताए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में ये उनके कबीरपंथ समाज में रोष पनपा है, और करीब पूरे देश में हमारे कबीरपंथ समाज के उन आचार्य गद्दी के जो अनुयायी हैं 7 करोड़ के लगभग लोग हैं, और उन लोगों में इतना भारी आक्रोश है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ उन पूरी आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और उनको सजा दिलवाने का काम करें। तो ज्ञापन सौंपा गया है और आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार करने के लिए मांग उठाई गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे कबीर पंथ का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे कबीर पंथ से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, कबीर पंथ से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।